नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग BHU BSC के 2019 पेपर का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब बारी आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का मैं डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस पूरे सॉल्यूशन से ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिलेगा आपको, जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का क्वेश्चन आता है BHU BSC में, और ये आपको बहुत ही मदद करेगा। तो आइए इस घड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में 25 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, शुरू के 25 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का पार्ट भी बनाऊंगा, उसी में आगे के 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं डिटेल सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगे लेकिन सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे होता है इसमें, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अगर आप 5 साल का BHU BSC का पेपर अच्छे से कर लिए डिटेल सॉल्यूशन, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ log(x)(1+log(x)2dx इज, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो log(x)(1+log(x)2dx का इंटीग्रल पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको और अच्छे से ब्रेकेबल फॉर्म में लाएंगे, इसमें +1 -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका upon 1+log(x), ठीक है। इसके बाद whole square। अब इसको और सॉल्व करिए। यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे तो 1+log(x) नीचे आएगा और -1/(1+log(x)2 और dx/x ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। log(x) को हम लोग z मान लेते हैं, इससे x बराबर क्या हो जाएगा, e^z, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो आएगा क्या आपका 1/(x)dx = dz। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e^z 1/(1+z)(1+z)2dz, ओके। अब ये कैसे हल होगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ tft + f'tdt। इसका जो सॉल्यूशन आता है वो et आता है और ये फंक्शन ft आता है, ठीक है, प्लस c। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये ft है और ये ft का डेरिवेटिव है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से ez/(1+z)= हो जाएगा e log(x)/(1+log(x), ठीक है। अगर आप इसको और ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, x(1+log(x), मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। अब आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ sin(x)/sin(x)√(1 - sin²x). तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर, मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, sin(x)-cos(x)=t मान लें। यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि cos(x)/sin(x)dx = dt आ जाएगा, ठीक है। और जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है sin(x)+cos(x)(1 - sin²x) और ये dx है। मैं यहाँ पर इसको क्यों माना हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे यही मिलेगा, ठीक है। देखिए, sin(x)+cos(x)/sin(x)-cos(x)dx, ठीक है,
अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वो तो अभी आगे पता चलेगा। सब्स्टिट्यूट किए इतना आया, इसको आपको पता है क्या होता है, LNT बोलिए इसको, ये ठीक है। उसके बाद क्या होगा, T किसको माना है आपने, साइन एक्स कॉस एक्स को, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, ठीक है, और अगर आप परीक्षा में बैठे हैं और इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं ना, तो सीधे आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, नहीं तो ये समय आपका बर्बाद कर देगा पूरा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब आपका एक्स्ट्रा टाइम बचे तो ही फॉलो करिए। मैं इसका डिटेल सोल्यूशन तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरी यही राय रहेगी कि आप इस ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, छोड़ के आगे बढ़ें, पहले वो क्वेश्चन को ट्राई करें जो आपसे बन सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अल्टीमेटली हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि हाउ मच वी आर टैलेंटेड, हाउ मच वी आर लेबोरियस, ये नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा डीएक्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, 2y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस, ये आइडेंटिटी का मैंने यूज़ किया है इसमें, ये आइडेंटिटी होती है ना, एफ एक्स 0 टू x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a माइनस एक्स या x माइनस a एफ एक्स डी एक्स, यही वाली आइडेंटिटी को यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x माइनस ए आ जाता है, ठीक है ना, वही आइडेंटिटी को मैंने यूज़ किया है। तो सॉल्व करिए, इंटीग्रल ऑफ लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये लिमिट सारी 0 टू पाई 0 टू पाई आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा थ्योरम टाइप का इसको समझ लीजिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपको क्लास 12th की बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप उसको आप जो आगे था उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, लॉग साइन एक्स डी एक्स, इतने पार्ट को आई डैश मान लीजिए, ठीक है, आई डैश मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और आईडेस को सॉल्व करने निकलिए, आईडेस इसको कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 एल एन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, आईडेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 टू पाई बाय 2 एल एन कॉस एक्स डी एक्स, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आईडेस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एल एन 1 बाई 2 टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एल एन 1 बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एल एन साइन 2 एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करिए, माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एल एन 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 एल एन साइन 2 एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 आई डैश इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 एल एन
टू प्लस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाय टू साइन समथिंग डीएक्स, ठीक है, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए। और इस पार्ट को अब हल करेंगे हम, ठीक है। इस पार्ट में मान लेते हैं लेट टू एक्स इज इक्वल टू जेड, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे कैसे, टू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पता चला, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर जेड इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई एल एन साइन जेड वन बाई जेड डी जेड, ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई एल एन साइन जेड डी जेड। यहाँ पर अगेन ये वाली प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये क्या होगा, वन बाई टू, ये हो जाएगा टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन जेड डी जेड। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू एल एन साइन जेड डी जेड, ठीक है। उसके बाद आपको ये बात पता होगी कि वेरिएबल को चेंज करने से, अगर केवल जैसे यहाँ पर जेड है और यहाँ पर अगर हम जेड की जगह पर हर जगह एक्स लिख दें तो इंटीग्रल की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो आई डैस इंटीग्रल है, देखिए ये वाला जो इंटीग्रल है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स था और यहाँ पर वेरिएबल जेड है, तो ये सेम इंटीग्रल है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके किसमें पुट करेंगे, इसको उठा करके हम यहाँ पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू में। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो पुट करते हैं तो कितना आएगा हमारा, टू आई डैश इक्वल्स टू पाई बाई टू एल एन टू प्लस आई डैश, ये हो जाएगा आपका आई डैश इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू एल एन टू। इसको उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट करिए, इक्वेशन नंबर वन क्या था, इक्वेशन नंबर वन हमारा, इक्वेशन नंबर वन हमारा ये था, देखिए ये है ना, आई डैश की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पुट कर दीजिए आई की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना आएगा, आई इज इक्वल्स टू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है। तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस क्वेश्चन के पीछे आप भागें, आप वो क्वेश्चन करें जो आपको पहले सरल हो, समय बचता है तो फिर इसके ऊपर आए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर सही होगा सी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल पासिंग या टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि आप पहले डायग्राम बना लीजिए, ये तक कुछ ऐसा इसका डायग्राम बन जाएगा कि x को टच करेगा, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0a, ठीक है, रेडियाई हर जगह से a हो जाएगी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू वाई ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए वाई, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टू से डिवाइड कर दीजिए हर तरफ, दोनों जगह सेम है, तो ये हो जाएगा आपका इतना। अब डी वाई वाले टर्म को एक साथ लीजिए,
ए माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई ए माइनस वाई। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक्स की वैल्यू को निकालिए, कॉन्स्टेंट वाले टर्म को इलिमिनेट करना रहता है ना। तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू ए वाई आएगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर रखिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई माइनस वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, एंड दिस विल आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला कह रहा है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग एट वाई इक्वल्स टू सॉरी एट एक्स इक्वल्स टू वन इट गिव्स वाई, तो वाई इक्वल टू वन इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करिए, डी वाई बाई सेप इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके जाइए, ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, ये हो जाएगा लॉग वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स टू सॉरी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू। अब देखिए इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा वन बाई टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर स्क्वायर माइनस वन बाई फोर होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा ही मिलेगा। और उसके बाद लॉग वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर ये। अब इसको आप फॉर्मूला लगा के तोड़ दीजिए, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स से। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपसे चेक कर रहा है कि आपको जानकारी कितनी है। ठीक है, इन डेप्थ जानकारी। ठीक है, तो इसको आपको जवाब देना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर और यहाँ से एक्स प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस सी आप ले लीजिए। अब एक काम करिए, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा टू लॉग ऑफ वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू प्लस टू लॉग ऑफ सी। इसको सॉल्व करिए, लॉग ऑफ वाई माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन बाई टू इसका भी होल स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ठीक है, मैंने एक एडजस्टेबल फॉर्म में इसको ले लिया है। तो आगे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, वाई माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस सॉरी एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर सी स्क्वायर। और क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन था, क्वेश्चन में एक्स एट एक्स इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू वन इसको यहाँ पर यूज़ करिए, आप यूज़ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी थ्री बाई टू होल स्क्वायर निकल के आएगी। ठीक है, आप इसको रख करके चेक करेंगे तो इतनी आएगी, मैंने इसको निकाला हुआ है तो मैं लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा टू एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर थ्री बाई फोर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, नाइन एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ से, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू
थ्री एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर आ गया। तो ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस प्लस टेन एक्स सॉरी टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए चेक करते हैं। तो इसको यहीं से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा? ये होगा एक्स माइनस साइन वाई प्लस, इसको आप डिवाइड कर दीजिए डी वाई से दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन टेन वाई, इसको सॉल्व करिए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कॉट वाई। ठीक है ना, मतलब मैंने इसको किस फॉर्म में ला दिया, वो जो जिसमें यूज़ करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पे आईएफ आपको मिलता है वैसा मैंने लेके चलाया इसको। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, ई पावर इंटीग्रल ऑफ कॉट वाई डी वाई, ये हो जाएगा ई पावर लॉग ऑफ साइन वाई, ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि सोल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ये हो जाएगा एक्स साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन टू वाई अपॉन टू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू आपकी इतनी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई, देखिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको भी, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये इसे मल्टीप्लाई है ना। अब कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन गिवन थी ये देखिए दिया हुआ है कंडीशन। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई इक्वल टू जीरो था। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रखिएगा तो आपकी सी की वैल्यू निकल के आएगी, क्या रखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, तो अगर आप रखेंगे तो आपकी सी की वैल्यू निकल के आएगी वन बाई फोर, ये आप निकाल के चेक करिएगा आपका इतना ही आएगा। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा, फिर इसमें रखेंगे तो एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस टू वाई बाई फोर और प्लस वन बाई फोर, इसको सॉल्व करिएगा तो वन बाई फोर कॉमन ले लीजिए और वन माइनस कॉस टू वाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स साइन वाई इज इक्वल टू वन बाई टू साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, और टू एक्स इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, यहाँ से पता चला वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। ओके, अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी आर टू आई प्लस जे माइनस के थ्री आई माइनस टू जे प्लस के एंड आई प्लस फोर जे माइनस थ्री के रिस्पेक्टिवली दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको क्या फॉर्म करके दे रहे हैं आपको देखना पड़ेगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कोलिनियर स्केलन ट्रायंगल। तो मैं कोलिनियर के जैसे चेक कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ट्वेल्थ में या आप लोगों ने ट्वेल्थ में सबसे नज़दीक कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक कोलिनियर का पढ़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि वहीं से एक क्वेश्चन आ रहा हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, द डिटरमिनेंट ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर मस्ट बी जीरो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट बराबर जीरो कर दे रहा हूँ, सॉरी डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, अगर वो जीरो हो जाएगा तो कोलिनियरिटी चेक हो जाएगी, तो यही हमको यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, फोर ए, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू सिक्स माइनस फोर माइनस वन और नाइन माइनस नाइन इतना माइनस ट्वेल्व प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व हुआ आपको पता है ना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंपटीशन में अल्टीमेटली बैठे हैं। ठीक है,
तो आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक आना चाहिए। टू यहाँ लिखा, इसका से मल्टीप्लाई किया, माइनस इसका से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ समथिंग, इसका से मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ समथिंग, फिर यहाँ पे माइनस लिखा, फिर इसका से मल्टीप्लाई, इसमें इसका माइनस, ठीक है। और इसमें कुछ अधिक काम नहीं किया मैंने, कितना आ जाएगा इतना, दैट इज मीन। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट कोलिनियर्स हुए, तो पोजिशन वैक्टर आपको क्या पता चला, ये पॉइंट पे कोलिनियर है, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं। सो कह रहा है इफ टू पोजिशन वैक्टर ए एंड ए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द लोकस ऑफ ए इज व्हाट। तो आपको ये एकदम सिंपल, ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के आप अटैक करा करिए, ठीक है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन सही था, उसके पहले वाला भी क्वेश्चन सही था, एकाध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपको फंसाने का ही उन्होंने प्रयास किया होता है, तो आप उसमें फंसना नहीं है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप डॉट प्रोडक्ट जीरो ले लेंगे। इसको अगर आप एक पोजीशन वेक्टर मानते हैं, लेट से इसको वेक्टर ए मानते हैं, इसको वेक्टर बी मानते हैं, तो परपेंडिकुलर होने के लिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी शुड बी जीरो होना चाहिए, ये पढ़ा हुआ है आपने। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1-4x² - 9y² इसको जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा समथिंग, ओके। ये क्या है, ये एक एलिप्स है, क्या फॉर्म करेगा, एक एलिप्स फॉर्म करेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द लाइन x-3 - x-6/3 = y-7/2 z-7/-2 इज व्हाट। इसको आपको पता करनी है, तो आप इसमें क्या करिए, आप यहाँ पर देखिए कि पॉइंट क्या है, इसको P मान लीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक Q मान लीजिए, क्या 6, 7, ठीक है। फिर पी क्यू पोजिशन वैक्टर निकाल लीजिए, पोजिशन वैक्टर निकालिए, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5i + 5j + 4k हो जाएगा। अल्टीमेटली करते क्या, इतना माइनस इतना आई, इतना माइनस इतना जे, इतना माइनस इतना के, वही लिख दिया यहाँ पर। और डायरेक्शन कोसाइन को आप देखेंगे ना, डायरेक्शन कोसाइन से आपको एक वेक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर मिलेगा आपको 3i + 2j - 2k, ठीक है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये और ये, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, बी क्रॉस पी क्यू का कितना हो जाएगा भाई, बी क्रॉस पी क्यू का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ रखिए, ये आपका आएगा, इसको यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे ना, इसको √833 आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, √833/√17 इस, ये मतलब क्या आएगा, ये √49, इसका मतलब 7 यूनिट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3t फ्रॉम ओरिजिन, कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट। वी हैव टू डिटरमाइन द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल ABC, ठीक है। तो इसमें आप इसको विजुलाइज करिए पहले, इसको विजुलाइज करेंगे तो कैसा आएगा, कुछ ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको z बोलते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, A 0 0, यहाँ पर कितना होगा 0 B 0, यहाँ पर क्या होगा 0 0 C होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको विजुलाइजेशन आना चाहिए। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट वुड बी व्हाट, ये हो जाएगा x/a + y/b + z/c = 1, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इतना फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे प्लेन के लिए,
अब क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर शुड बी 3p। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3p स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आया, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, ट्राइंगल का जो वो था क्या नाम है कोऑर्डिनेट, उसे सेंट्रॉइड निकाल लीजिए। क्या क्या था कोऑर्डिनेट, एक था ए ज़ीरो ज़ीरो, एक था 0b 0, एक था 0c, ऐसे ही था। सेंट्रॉइड निकालेंगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए प्लस 0 प्लस 0 बराबर बटा 3, वाई इक्वल्स टू बी बाई 3 हो जाएगा इस तरीके से, जेड इक्वल्स टू सी बाई 3 हो जाएगा इसी तरीके से, सबको मैंने जोड़ के बटा 3 कर दिया। यहाँ से क्या पता चला, ए इज इक्वल्स टू 3x, वी इज इक्वल्स टू 3y, सी इज इक्वल्स टू 3z। इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये तीनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करिए, पुट करिएगा तो आपका आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन आया। ठीक है, तो कौन सा एक आंसर सही है, इसको देखिए कौन सा आंसर सही है। आंसर नंबर आई थिंक ये आपका आएगा, ये सही है। ठीक है, सॉरी, ये आंसर सही है। कितना है ये, 1 अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ये एंड ये, तो आपको ये कैसे निकालेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये ये एंड ये निकालिए। क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। पोजिशन वैक्टर को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर 2a माइनस बी प्लस 3c बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, अगर ये हमारा जो मान लीजिए 0 इक्वेशन है, ठीक है, ये अगर दूसरी लाइन से पास करेगा तो इसके पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है, 0, 2, -1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू उठा कर रखेंगे तो इसमें ये वाली वैल्यू उठा कर रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस ए प्लस 3b-c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, आपका आंसर आएगा, सॉरी आपका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, a अपॉन माइनस एट इक्वल टू बी अपॉन माइनस 1 इक्वल टू सी अपॉन 5। ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a अपॉन 8 इक्वल टू बी अपॉन 1 इक्वल टू सी अपॉन माइनस 5। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, a की वैल्यू, ठीक है, अगर इसको आप इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, इस वाले में इसको आप लैम्डा मान लीजिए, तो ए बराबर 8 लैम्डा, बी बराबर 1 लैम्डा, सी बराबर -5 लैम्डा। उठा के यहाँ पर पुट करेंगे, लैम्डा कॉमन होके बाहर निकल जाएगा, सब लैम्डा 0 अपॉन लैम्डा हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बचेगा, इक्वेशन कितना आएगा, ये आएगा 8x-1 प्लस वाई प्लस 1 और प्लस सॉरी -5z इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 8x प्लस वाई -5z-z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू 1/4, पी बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/8, देन पी ए बार इंटरसेक्शन विद बी बार इज व्हाट, वी हैव टू डिटरमाइन पी ए बार इंटरसेक्शन विद बी बार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पी इंटरसेक्शन ऑफ ए बार ए बार इंटरसेक्शन विद बी बार इज इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए यूनियन बी होल बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - p ए यूनियन बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 - pa प्लस pb माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। ठीक है, अब क्या करिए, जो जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें रख दीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है इसमें रखिए, कितना आएगा, 1 - 1/4 - 1/2 प्लस 1/8। सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा,
3/8 आएगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि R इज अ रिलेशन ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर एंड इट इज गिवन बाय XY सच दैट बिलोंग्स टू XY बिलोंग्स टू R, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस y शुड बी लेस देन 1, देन R इज व्हाट, R इज व्हाट, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई कराना है। कंडीशन आपका दिया हुआ था क्या, कंडीशन आपका दिया हुआ था x माइनस वाई शुड बी लेस देन मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल। अगर आप देखेंगे दोनों तरफ, अगर आप a रख करके देखेंगे तो आपका रिजल्टेंट 0 आएगा, 0 इज लेस देन 1, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर आप x को y में चेंज करेंगे और y को x में चेंज करेंगे तो मॉड अल्टीमेटली, मतलब y माइनस एक्स आएगा और ये क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। मैंने क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको y मान लूँ, इसको ये मान लूँ, तो अल्टीमेटली ये यही के इसी के बराबर है, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। इसमें बहुत से इजी क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत से टफ क्वेश्चन भी हैं, टफ क्वेश्चन देखते ही आपको आगे बढ़ जाना है। मैथ आपकी आखिरी चॉइस होनी चाहिए, सबसे पहले आप केमिस्ट्री को अटैक करिए, फिर फिजिक्स को अटैक करिए, फिर अगर समय बचता है तो मैथ पे आइए, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन जनरली टिपिकल टाइप के होते हैं, तो आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है किसी भी कंपटीशन में तो आपको मैथ लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो। अब देखिए इसमें कह रहा है, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन आर माइनस वन बाय द रूल ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट वन द इनवर्स ऑफ ए इज व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है जहाँ पर नॉट एग्जिस्ट वगैरह आ रहा है, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को तो फॉलो कर रहा है। अगर ये मान लीजिए इसको फॉलो नहीं करता ना, तो आप पहले या ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होता दोटो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करते हैं इस पर, ठीक है, कि इस पर एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी लागू हो रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो डायरेक्टली ऑप्शन है तो ऑप्शन के ही बेस पर हम कर लेंगे, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी वो होगा ही कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर लेके आएंगे इसका, हम लोग डायरेक्ट एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं इन आर, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है, इनवर्स, तो आपको इनवर्स कितना आएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू, अगर आप चेक करेंगे तो ज़ीरो आएगा और बी स्टार ए इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। ये कैसे आ रहा है ज़ीरो, ये ज़ीरो आने का तरीका ऐसे आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ए आइडेंटिटी, ये ए स्टार विथ आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे तो ए आएगा, और ई स्टार विथ ए लेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए प्लस ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ए आ गया, यहाँ से ई कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, ई इज इक्वल टू ज़ीरो, यहीं से मैंने इसको पुटअप किया हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए, इन दोनों के रिलेशन से मैंने इक्वेशन को रखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि अब यहाँ पर जो दिया हुआ कंडीशन है वो क्या है, उसको उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा बी कॉमन ले लीजिए वन प्लस ए इक्वल्स टू माइनस ए, बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ए अपॉन वन प्लस ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू पाई बाई ए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई का, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लगाएंगे तो कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये हो जाएगा पाई बाई
फोर, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, जैसे यहाँ से x माइनस एक्स तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस फोर और ये हो जाएगा 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस फोर, और इसको देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा, 4 और प्लस 3 माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ से प्लस 4 और माइनस 1, तो ये आएगा कितना माइनस 3, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा माइनस 3, ठीक है। आप इसको उधर लेके जाइए, टेन इनवर्स टेन ऑफ ये कर देंगे तो 1 आएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट करके चेक कर लिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आएगा 1/2, और ये आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, 1/√2, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स ऑफ अंडर ब्रैकेट माइनस 3/5, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप सबसे पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 आ जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल डाइग्राम बना करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप ऐसा रख करके कर सकते हैं। इसके बाद का मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, साइन ये हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, साइन 2 साइन इनवर्स, इसको हम 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/4/5 मल्टीप्लाई बाई 9/25, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो साइन इनवर्स 8 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 24/25, ये आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये एकदम सरल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए इसको तो समथिंग दिया हुआ है, बी इसको तो समथिंग दिया हुआ है, पुट करना है वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू इस तरीके से आएगी कि ए इसको टू 1 बी इसको टू 4 आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके का पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे ऐसे पैटर्न की वैल्यू, इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका यह है कि इधर से आप फाइव स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इधर से आप 5/3 कॉमन ले लीजिए, इधर से आप 5/4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 5 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 बचेगा, 5 स्क्वायर बचेगा, सब सेम एलिमेंट है, कट के 0 आ जाएगा, इसका ऑप्शन ये सही होगा। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 समथिंग प्लस 1 इफ़ एक्स लेस देन 4, ये क्या है, मॉड है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ जानकारी, इसमें कह रहा है इज कंटिन्यूस है एक्स इक्वल्स टू 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कंटिन्यूस है 4 पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट 4 एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो हम ये बराबर ये करेंगे और ये बराबर ये करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x माइनस 4 अपॉन माइनस ऑफ x माइनस 4, एल एच एल ले रहा हूँ, एल एच एल ले रहा हूँ तो ये पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, चूँकि मॉड है, मॉड फंक्शन को क्या कहता है, x इज सच दैट x मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इक्वल्स टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको हमने यूज़ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कितना आएगा माइनस वन प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, यहाँ से क्या आएगा बी इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। तो इसको इसको बैलेंस करके तो ये आ गया, इसको इक्वेशन ये आपका बी का वैल्यू आ गया। कोई ऑप्शन डायरेक्टली क्लिक हो सकता है क्या? नहीं डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों में बी की वैल्यू माइनस वन है। आइए आगे आगे करना पड़ेगा हम लोगों को, इन दोनों को बराबर करिए, बराबर करिएगा तो कितना आएगा x माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस फोर प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन है दैट पॉइंट, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन फोर की बात कर रहा है, तो वन प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ए इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। इसमें कह रहा है इफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, ये एकदम ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, ठीक है। नाम से खाली कंपटीशन में आया हुआ है, लेकिन ये ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, सारे ट्वेल्थ के क्वेश्चन है वैसे, कुछ कुछ इलेवंथ के आ रहे हैं, मैक्सिमम ट्वेल्थ का वेटेज है। इसको सॉल्व करिएगा आप, कॉस मैंने क्या किया है, कॉस को उधर पलट दिया, ठीक है ना। अब क्या करूँगा मैं, इसको सॉल्व करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर, ये टेन में हो जाएगा, सॉरी हाँ करेक्ट है, ये बराबर ये कैसे हो रहा है, ये अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है आधार बटा कर्ण, मतलब ए आधार बटा कर्ण, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर, और अगर कॉस के टर्म में लाना है तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए ये सब आइडेंटिटी, ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो वन अपॉन, ये तो सीधा थीटा बचेगा यहाँ पे, थीटा कितना है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर है। अब आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने इसको पलट रहा हूँ मेरी इजी के लिए, मैं इसको पलट रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाऊंगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाऊंगा, कितना आएगा, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो लगाएंगे तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, उधर भी कंपोनेंट और डिवाइडेंडो लगाएंगे, ये हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो या तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करिए, या तो एक काम करिए इसको यहाँ पर भेज दीजिए, इसको यहाँ पर और फिर कट कर लीजिए, तो आपको एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, इस तरीके का फॉर्मेट लेके आ जाना है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करना है। और यहाँ पर डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कितना आ जाएगा आपका, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर है तो टू एक्स, दिस शुड बी ट्रीटेड एट कॉन्स्टेंट, तो हाउ मच वी विल गेट समथिंग, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए इक्वेशन वन है, ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, पुट करेंगे कितना आएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आई थिंक डी सही है, करेक्ट है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें कह रहा है, इसमें आपको क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू
पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्टर द एक्स कंपोनेंट इज व्हाट। इसको सॉल्व करिए, आपको एक चीज़ दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, मतलब जितना वाई में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से एक्स में चेंज हो रहा है, ऐसे कि वाई वाला 8 एक्स वाले से 8 गुना ज़्यादा है, और हमारा कर्व कितना है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व करिएगा तो इसको पहले डिफरेंशिएट तो कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको आएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। पॉइंट कैलकुलेट करना था ना इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करके मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 48 dx अपॉन dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक है। यहाँ से क्या पता चलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या पता चलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 4, उठा करके यहाँ रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, एक आएगा 11 और एक आएगा माइनस 31 अपॉन 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक 3, ठीक है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इज सच दैट एक्स सच दैट क्लोज इंटरवल 1 एंड 3 रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। रोल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है फंक्शन की। फिर कह रहा है विथ सी इज इक्वल टू समथिंग देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज वॉट, ठीक है। इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको सबसे पहले रोल्स थ्योरम में रिजल्ट क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इस रिजल्ट पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब c के लिए है तो c यहाँ पुट करना पड़ेगा इसके जगह पर 3c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a इक्वल टू 0। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 2 प्लस 1 रूट 3 होल स्क्वायर 3 प्लस 2b 2 प्लस समथिंग प्लस a इज इक्वल टू 0। इसको तोड़ दीजिएगा कुछ आपका इक्वेशन आ जाएगा a और b के फॉर्म में, ठीक है। और रोल्स थ्योरम से क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है, फंक्शन एट बोथ द क्लोज इंटरवल पॉइंट वुड बी 0 फाइनल क्लोज इंटरवल पॉइंट, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चलेगा, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपका आएगा a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 9b प्लस 32। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a प्लस 4b प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ए इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो आपका a इज इक्वल टू 11 आएगा और b इज इक्वल टू माइनस 6 आएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला ये एंड ये एट ओरिजिन इज व्हाट। इस पैराबोला को ड्रॉ करिए, वाई स्क्वायर है सिमेट्रिकल अपॉन सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालेंगे ओरिजिन पे तो कितना आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। और इस वाले का स्लोप निकालेंगे ओरिजिन पे तो कितना आएगा, ये वाला आएगा। दोनों में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, तो ये डायरेक्ट आंसर सी हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब कह रहा है कि विच इंटरवल द फॉलोइंग एफ गिवन बाय समथिंग इज डिक्रीजिंग, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक काम करिए ना, इसको ब्रेक करके ऐसे मतलब तैयार करिए कि देखिए यहाँ पर 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पर भी 2 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा अगर माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो। यही हमारा यहाँ का पंच लगती है, मतलब पंच पॉइंट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, ये ख़त्म हो जाएगा। कितना आएगा ये, 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, सबसे बेहतर कि आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसका आएगा 8 कॉस एक्स प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर,
इक्वल्स टू सॉरी माइनस वन। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम जीरो के बराबर पुट करते हैं, कंडीशन होती है ना कि आपको अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है तो डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन को इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट तो कर लिया है, इसको बराबर जीरो कर दिया। अब इसको फाइंड आउट करा कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा कॉस एक्स 4 माइनस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये इक्वल टू जीरो। अब देखिए, या तो ये जीरो हो सकता है या तो ये जीरो हो सकता है, पहले इसको जीरो करके देख लीजिए, 4 माइनस कॉस एक्स है, इसको जीरो करिए, यहाँ से क्या पता चला, कॉस एक्स इज इक्वल टू 4, लेकिन हम तो जानते हैं कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से माइनस 1 के बीच में लाई करती है, तो ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो है, ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का इंटीग्रल होगी, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ इंटीजर होगी ना, इसका क्या मतलब हुआ कि पाई बाई 2 का इंटीग्रल वाला ऑप्शन सही होगा। तो पाई बाई 2 का इंटीग्रल इधर है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे तो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों पर है, तो इसका मतलब ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब आइए दोस्तों, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग फाइंड करना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डोमेन निकालने का मतलब क्या, ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करता हो, ऐसी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर तो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की आपको पता है वैल्यू क्या होती है, ये x इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी x ग्रेटर देन जीरो पर पॉजिटिव होता है, और लेस देन जीरो पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है, कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम x ग्रेटर देन जीरो की वैल्यू की बात करें तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स, इसके डोमेन में भी प्लस वैल्यू आएगी, और यहाँ पर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट सही है। x लेस देन जीरो के लिए देखिए, रूट के अंदर में माइनस आ रहा है, तो ये गड़बड़ी गड़बड़ है, ठीक है, रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो ये गड़बड़ी गड़बड़ है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू करेक्ट है, इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो ये और भी एस्पिरेंट्स को फ़ायदा पहुँचाए, इसलिए आप इसको दूसरे को भी फॉरवर्ड करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, दूसरों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए आप, और जो है अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमने अपने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी होती है आप वहाँ पोस्ट करिए, और आपको कोई भी BHU के रिलेटेड दिक्कत है तो आप वहाँ पे पोस्ट करिए, हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होइए, हमारे फेसबुक पे ज्वाइन होइए, और अगले वीडियो में इसी का मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, इसमें खुद ही ज़्यादा समय हो गया है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।